को प्रयागराज में महाकुंभ जो होने वाला है, बहुत बड़ा आयोजन है जो 2025 में होने वाला है। प्रदेश की सरकार इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर तैयारियां कर रही है। सीएम योगी ने अनूठी पहल की घोषणा की है। योगी सरकार के इस पहल के बाद अब प्रयागराज के महाकुंभ में कोई भी श्रद्धालु भूखे पेट नहीं सोएगा। क्या है ये खास रिपोर्ट, देखते हैं। 12 साल का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। फिर से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाएंगे। प्रयागराज के घाट सजने शुरू हो गए हैं। महाकुंभ के लिए योगी सरकार ने बहुत पहले से ही अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और इसी कड़ी में योगी सरकार ने एक अनूठी पहल की शुरुआत करने की घोषणा कर दी है। योगी सरकार के इस पहल के बाद अब प्रयागराज के महाकुंभ में कोई भी श्रद्धालु भूखे पेट नहीं सोएगा। 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे महाकुंभ के लिए योगी सरकार की बड़ी सौगात। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को मुफ्त राशन उपलब्ध कराएगी योगी सरकार। परियोजना के लिए सरकार 43 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च करेगी। परियोजना में 160 राशन की दुकानों की स्थापना की जाएगी। साथ ही महाकुंभ में 5 गोडाउन भी बनाए जाएंगे। राशन कार्ड धारकों को मिलेगा राशन। अब चाहे वो महाकुंभ में लोगों की सुरक्षा की बात हो या फिर लोगों के भूखे पेट सोने की, योगी सरकार हर बात का ख्याल रख रही है।